और काफिर को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर वो ये समझता है कि मुसलमान को रोक लेगा तो ये नहीं जानता है कि हमारे बाजू हमारी तलवारें हैं। क्या खूब किसी ने कहा आ देख ये बाजू बाजू है कि तलवार। तो मुस्लिम उम्मतुल मोमिनीन ने अपनी चादरें उठा के अपने सरों पे डाली थी, तो ये कौन है? हम इसकी खूब मजम्मत करते हैं, ये हमारे पर्दे को किसी तरह से भी नहीं, और मैं बाखुदा मैं खुद खड़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं बिनते अब्बास नासर इस वक्त पाकपतन डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर मौजूद हूँ और मरियम दस्तकारी स्कूल के अंदर वाके कर्नाटक में होने वाली अपनी बहनों के साथ उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और पूछने के लिए कि जो वाके कर्नाटक हुआ है उसके अंदर जो हमारी बहनों के साथ किरदार किया जा रहा है हिजाब के ऊपर उनके साथ किया गया है उसके बारे में लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। हम मरियम दस्तकारी स्कूल के अंदर मौजूद हैं और अपनी बहनों से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वाकई कर्नाटक के बारे में क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है कि जो मुसलमान लड़कियों के हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? वाकई कर्नाटक में बेसिकली जो उनका मकसद था मुसलमान लड़की को हिजाब से मना करना था, तो हमारे यहाँ पे सबके इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ यही है कि हम उस वाकये की शदीद मजम्मत करते हैं और हम उसको बल्कि सपोर्ट करते हैं कि हिजाब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये मुसलमान लड़की की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, कुरान पाक में इसका हुक्म है, तो इसके बगैर हिजाब के बगैर हमारा वक़ार कुछ भी नहीं है। तो इधर और जो कुछ मुस्कान ने किया, कितने लोगों के सामने उसने नारे तकबीर बुलंद किया, तो हम बिल्कुल उसके साथ और हम भी कहते हैं कि हिजाब बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लड़की मुस्कान खान ने इतने काफिरों के सामने खड़े होकर नारे तकबीर बुलंद किया है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुस्कान खान ने हिजाब के बारे में बताया, उसने ये बताया कि एक लड़की कुछ भी कर सकती है, इतने काफरों में उसने अकेली लड़की होकर अपने हिजाब के साथ रहकर ये बात बताई है कि एक मुसलमान औरत हिजाब के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर मुसलमान औरत अपनी इज़्ज़त बरकरार रखना चाहती है तो उसे चाहिए कि पर्दा करे। एक मुसलमान औरत अगर पर्दा नहीं करती तो वो कभी भी महफूज नहीं हो सकती, और अल्लाह ताला ने और कुरान पाक में भी यही हुक्म दिया गया है कि औरत को पर्दा करना चाहिए। अगर एक मुसलमान औरत सुन्नत पर अमल नहीं करेगी तो कभी भी महफूज नहीं रह सकती। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ पर्दा करती हैं उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? जो लड़कियाँ पर्दा करके बाहिजाब होकर अपने घरों से निकलती हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मुसलमान औरत का फ़र्ज़ है कि पर्दा करे, और मुसलमान औरत का फ़र्ज़ है, अब पर्दे के बगैर वो महफूज नहीं रह सकती के। और इन लोगों का मकसद है कि पर्दा ना करे, लेकिन औरत का फ़र्ज़ है कि पर्दा करना चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया। आपसे मैं पूछना चाहूँगी इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि मुसलमान बहनों को पर्दा करना चाहिए, पर्दे के बगैर हम बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं, और अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमें पर्दा करना चाहिए, पर्दे के बगैर हम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाकई कर्नाटक के बारे में आप क्या कहेंगी? हम वाकई कर्नाटक की मजम्मत करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि पर्दा मुसलमानों के लिए किस कदर ज़रूरी है, और पर्दे के बगैर मुसलमान मुकम्मल नहीं है, और हम वाकई कर्नाटक की ख़वातीन के साथ हैं। ये एक बहुत अहम मामला है और वहाँ पर मौजूद हुकूमत को इसके लिए एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जो पाकिस्तान के अंदर आपने मौजूदा कर्नाटक वाकये को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर इसको किस नज़र से देखती हैं कि जो लड़कियाँ स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जाती हैं लेकिन पर्दा नहीं करती हैं, आप उनके बारे में क्या राय देना चाहेंगी? मैं मरियम दस्तकारी स्कूल डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तरफ से उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो दरिंदे हमारी ताड़ में बैठे हुए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें, हिजाब करके बाहर निकलें ताकि हमारी इज्जत महफूज रह सके, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए एक मुल्क दिया है कि हम इसको इस्लाम के मुताबिक चला सकें। अगर वो इंडिया में रह के वो हमें हिजाब के बारे में वो सारा कुछ कर रही हैं तो हम क्यों नहीं ये कर सकते? तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी बहनों को कि जो हिजाब होकर निकलती हैं वो बहुत महफूज और बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं, और जो बाहिजाब होकर नहीं निकलती उनको चाहिए कि वो अपने आप को डांप कर और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और सुबह सलम की सुन्नत के मुताबिक उन्होंने कैसे हमारे लिए ये मुल्क को हमारे लिए महफूज करार दिया है, तो हमें अपने आप को हिजाब के साथ बाहर निकलना चाहिए। आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं जो लड़कियाँ बाहिजाब होकर जाती हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में ये राय है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह के एक महफूज मतलब अपने आप को घर से बाहर निकालती हैं, तो वो एक महफूज मतलब होकर जाती हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता कि हम मतलब के ऐसे जाएंगे तो हमें लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। अगर वो हिजाब में जाएंगे तो उनको कोई फिक्र नहीं होगी कि हमें लोग देखेंगे और हमारा लिबास कैसा होगा, उनको अपने आप को सेफ्टी महसूस होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो लड़कियाँ मुसलमान स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जाती हैं और पर्दा करके जाती हैं या नहीं करके जाती हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन आप जो पर्दा करके निकलती हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, आप उसको किस नज़र से देखती हैं? वो बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं जो पर्दा हिजाब के हिजाब करके जाती हैं, और जो हिजाब नहीं करती, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो हिजाब करें। आप मुस्कान के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो हमारे लिए क्या रोल मॉडल हैं, कि उन्होंने हमारे लिए प्ले किया कि बताया काफरों के दरमियान खड़े होके कि आप जो पर्दा है वो आपकी इज्जत है, मुसलमान औरत के लिए पर्दा ही तो सब कुछ होता है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ही मुस्कान ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, इतने हिंदुओं के सामने वो उसने हिजाब के बारे में बताया, और हमें भी पर्दा करना चाहिए, और जो लड़कियाँ हिजाब नहीं करती उनको भी करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, पर्दे के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगी? पर्दे के बारे में मैं ये राय देना चाहूँगी, जिस तरह मुस्कान ने इतने ज़्यादा लोगों में होते हुए हमें ये बताया कि पर्दा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हम लोग इधर पाकिस्तान में रहते हुए हमें यहाँ के लोगों को ये नहीं पता औरतों को कि पर्दा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी जितनी बच्चियाँ जितनी भी औरतें हैं वो बाहिजाब होकर अपने घर से बाहर निकलें ताकि उनकी इज्जत महफूज रह सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जो लड़की मुस्कान ने हिंदुस्तान के अंदर काफरों को पैगाम दिया है पर्दे के लिए, आप उसको किस नज़र से देखती हैं कि पर्दा मोमिन औरत के लिए कितना ज़रूरी है और इसके लिए हम कैसे रोल अदा कर सकते हैं? सबसे पहले तो मुस्कान को मेरा सलाम, जिसने काफरों के सामने बुलक हक का नारा किया और अल्लाह अकबर किया, तो मैं उसे यही कहना चाहूँगी कि मुस्कान ने बहुत अच्छा किया है, और मुसलमान औरत के लिए पर्दा बहुत अहम है। जो लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ती हैं और हिजाब लेकर नहीं जाती हैं मुसलमान लड़कियाँ, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? उन बहनों को मेरा यही है कि आप पर्दा करें, पर्दे के बगैर आप बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं, और हमें पर्दा करना चाहिए, अल्लाह ताला का हुक्म है, हमें पर्दा करना चाहिए। और वो काफिर जिसने मुसलमान औरत को दबाने के लिए, पर्दे को दबाने के लिए पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की, मुसलमान लड़कियों को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने से रोका, आप उसके बारे में क्या ख्याल है? यही कहूँगी कि काफिर हमें नहीं रोक सकते पर्दे के बगैर, हम पर्दा करेंगे, और हम कल भी मुसलमान थे और आज भी हैं, हम पर्दा करेंगे, पर्दे के बगैर हम घर से नहीं महफूज निकलेंगे। वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से मरियम दस्तकारी स्कूल की प्रिंसिपल होने की हैसियत से काफिरों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, वाकई कर्नाटक को किस नज़र से देखती हैं आप? बिल्कुल जी, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, ये जो वाकया कर्नाटक हुआ है, तो ये देखें जो सवाल है कि हिजाब के हवाले से, इसमें तो कोई राय नहीं दी जा सकती ना, क्योंकि ये तो अल्लाह का हुक्म है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कुरान पाक में कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अपनी मोमिन औरतों से और बीवियों से और बेटियों से कि जब वो बाहर निकले तो अपने आँचल डाल लिया करें ना, अपने पल्लू डाल लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। जैसा कि ये मुस्कान हमारी बच्ची ने बहुत ही इस हिजाब के हवाले से जो ललकारा है पूरी उम्मत को, तो ये तो हिंदुओं के इतने जो इतना जुल्म और सितम जबर वो कर रहे हैं मुसलमान औरत पे, तो ये तो इसकी तो कोई देखें पूरी, मैं ये पूछती हूँ कि अब वो कहाँ पर वो एनजीओज हैं, कहाँ पर वो जो मोमबत्ती माफिया है, कहाँ चले गए हैं, अब वो कहाँ छुप के बैठे हैं, अब ये औरत को तहफ़ देने वाली तंजीमें कहाँ पर हैं? वो जो मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी कहने वाली हैं, उनको आप क्या कहना किस नज़र से देखती हैं? भाई उनको तो इसी नज़र से मैं देखती हूँ ना कि देखें अब उन्होंने 8 मार्च जैसे आएगा उन्होंने अपने काम कर देना है, लेकिन देखें अगर हम मुसलम एज ए मुस्लिम कंट्री हमारा जैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारी एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उम्मत मुसलमा, और जैसे कि ये मसला हमारा इशू ये पहली दफ़ा नहीं हुआ हिंदुस्तान में, ये पहले निकाह की शक्ल में, फिर उन्होंने अब पर्दे की शक्ल में, ये देखें यहाँ पर नहीं है, ये जितने भी नॉन मुस्लिम हैं यूरोप हो चाहे हिंदुस्तान हो जहाँ पर भी हो, मुसलमान औरत के पर्दे को पामाल किया जाता है, ये कौन होते हैं हमें ये रोकने वाले? अब हम इनकी मर्ज़ी से कपड़े पहनेंगे कि क्या पहने और क्या ना पहने, ये तो मेरे रब का हुक्म है पर्दा करना, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दे दिया था तो मुस्लिम उम्महातुल मोमिनीन ने अपनी चादरें उठा के अपने सरों पर डाली थी, तो ये कौन है? हम इसकी खूब मजम्मत करते हैं, ये हमारे पर्दे को किसी तरह से भी नहीं, और मैं बाखुदा मैं खुद खड़ी होंगी इसके खिलाफ, बल्कि अपनी मुसलमान बहनों को भी लेके खड़े होंगे, हम इस वाकया की शदीद मजम्मत करते हैं जो हिंदुस्तान में हुआ है, और हम उस मुस्कान बेटी के साथ हैं, उसके पीछे हैं, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे माल देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं।
बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये लोग जो समझते हैं कि मोमिन औरत को ये पर्दे को दबा कर मोमिन को दबा सकते हैं, अल्लाह की कसम उठा कर कहते हैं ये मोमिन औरत को कभी भी नहीं दबा सकते, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो हमारी अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो हमारी असम्बलियाँ हो, चाहे वो हमारा माहौल हो, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो, हमारे कॉलेजेस हों, अगर ये समझते हैं कि मुसलमान औरत को ये दबा सकते हैं, वल्लाह नहीं दबा सकते। हम ये पैगाम काफिर को देना चाहते हैं, हम अपनी उस बहन मुस्कान के साथ खड़े हैं, हम वल्लाह उसके साथ खड़े हैं, और हम हक के लिए, अपने हक के लिए, अपने पर्दे के लिए, अपने मोमिनों के लिए लड़ते रहेंगे वल्लाह, जब तक पूरी दुनिया के अंदर ये मुसलमानों के खिलाफ कभी भी कोई भी फला उठाएंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर ये समझते हैं मोमिन अकेला है तो मोमिन अकेला नहीं हो सकता है, उसके साथ वल्लाह अल्लाह की ताकत होती है, और जिसके साथ रब की ताकत होती है उसे बंदे इंसान कुछ भी नहीं रो सकते। ये नरेंद्र मोदी क्या है, ये इसके भेड़िए, ये इसके कुत्ते क्या हैं, हम इनको पैगाम देते हैं कि हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं, वल्लाह आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। और काफिर को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर वो ये समझता है कि मुसलमान को रोक लेगा तो ये नहीं जानता है कि हमारे बाजू हमारी तलवारें हैं। क्या खूब किसी ने कहा, क्या खूब किसी ने कहा, आ देख ये बाजू, बाजू है के तलवारें, सीने हैं जवानों के या आहनी दीवारें, मिल जाती हैं कदमों से जिस तरह से दस्तारे, हम तुझको दिखा देंगे सो बार ये नजारा, ए दुश्मन दी तूने किस काम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुस्कान खान के लिए एक प्रोग्राम जो हमने किया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ हमारे ऐवानों तक पहुंचेगी और ये अपना रंग लाएगी इंशाल्लाह अज़ीज़। बहुत जल्द हम एक नए इस्लामिक प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए बिनते अब्बास नासर को, अल्लाह हाफिज़।